श्री राम सभी को, मेरा नाम है शीरीष और स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले 5 सेकंड आपके लेना चाहूंगा, तो अगर आपको ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ कंटेंट पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जो कि एकदम मुफ्त है। तो भैया जब भी बात होती है लग्जरी बस की तो हमारे दिमाग में कभी ना तो मर्सिडीज आता ना ही कभी BMW आता, अपने दिमाग में आता सीधा सीधा वॉल्वो। तो भैया ऐसी है क्या चीज जो वॉल्वो अपन को ऑफर करता है जिसके सब दीवाने, तो आइए देखते हैं। हम सब ने एयरबस A380 का नाम तो सुना ही होगा और हमसे कई लोगों ने देखा भी होगा। तो भैया जैसे एयरबस A380 हवाई जहाजों में सबसे ज्यादा बड़ा है, वैसे ही अपने सामने आज है वॉल्वो की 9600, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन 2 करोड़ रुपए की अपन को देखने को मिलती है। भाई 2 करोड़ इसकी सिर्फ हवा में नहीं है, 2 करोड़ रुपए की आपको वॉल्वो इसमें चीजें भी ऑफर कर रहा है। मतलब इसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के ध्यान से लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है। मतलब आपको एक खास चीज बताता हूँ इस गाड़ी के लिए, जितना कंफर्ट इस गाड़ी के अंदर है ना उतना कंफर्ट एरोप्लेन के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलता अगर आप इकोनॉमिक क्लास के अंदर जाते हो। और अगर इसकी प्राइस बैंड की बात करो, जैसे अगर फेयर्स वगैरह की बात कर लें तो वो भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल रखे हैं। लगभग 1000 किलोमीटर के आपको लगभग 1400 से 1500 रुपये जो है पे करने पड़ते हैं इसके लिए, जो कि यार वॉल्वो 2 करोड़ रुपये की एक बस के लिए काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल हो जाता है। उसी के साथ भाई इसके अंदर 2 आपको जो है वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कन्फिग्रेशन भी आपको इसके अंदर 2 देखने को मिलते हैं और मॉडल भी आपको 2 देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया अपना स्लीपर के अंदर और दूसरा अपना हो गया इसके अंदर सीटिंग के अंदर। सीटिंग और स्लीपर दोनों के अंदर आपको भरपूर मात्रा में शानदार आपको कैबिन देखने को मिल जाता है, शानदार ही आपको कंफर्ट देखने को मिलता है और बढ़िया एमिनिटीज़ के साथ आपको ये बस जो है देखने को मिल जाती है। वेल नए मॉडल के अंदर पूरा जो प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हो पहले से काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वॉल्वो का नाम वैसे सेफ्टी में सबसे ज़्यादा आगे, अगर किसी को नहीं पता तो बताऊँ जो सीट बेल्ट अपन पहनते हैं ना भाई वो भी वॉल्वो की ही टेक्निक है जो वॉल्वो सबसे पहले लेकर आया था। तो भैया सोच लो कितना ज़्यादा एडवांस आज के टाइम पर वॉल्वो यहाँ पर होगा। तो उसी हिसाब से ड्राइवर का ख्याल रखते हुए, पैसेंजर्स का ख्याल रखते हुए, क्योंकि भाई 2 करोड़ रुपये ले रहे हैं तो 2 करोड़ रुपए के लेवल की आपको सेफ्टी भी यहाँ पर जो है ऑफर होती है। इतनी ज़्यादा सेफ गाड़ी मानी जाती है कि अगर कोई इम्पैक्ट होता भी है तो ये इम्पैक्ट झेलने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम जो है ये गाड़ी रहती है। उसी के साथ भाई अगर इसके फ्रंट डिज़ाइन की, फ्रंट लुक की अगर अपन बात कर लेना तो सबसे पहली नज़र मेरी जा रही है नंबर पर, तो भाई 6666 नंबर देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और बस ही देखो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है भाई, ये वॉल्वो का लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेफ्टी की निशानी है, रिलायबिलिटी की निशानी है, लग्जरी की निशानी है। ये जो स्काई ब्लू कलर आप देख रहे हो ये वॉल्वो का सिग्नेचर कलर है, लेकिन आप चाहो तो अपना कोई यूनिक कलर लेना चाहो वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे जो हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं वी शेप के अंदर देखने को मिल जाते हैं, DRL है आपके यहाँ पर और इसके अंदर इंडिकेटर भी इनबिल्ट है और आपको हाई बीम लो बीम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, फॉग लैंप आपको नीचे देखने को मिल ही जाते हैं। भाई साहब इतनी ज़्यादा लग्जरी गाड़ी है ना, मतलब क्या बताऊँ, उसको देखोगे ना आप तो कैमरा में जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे भाई, इतनी गजब की इसकी जो प्रेजेंस आती है ना, रोड प्रेजेंस ही भाई इतनी गजब की है। और सोचो यार इतनी बड़ी बल्कि बस को चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा, नहीं भाई लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब एक बार हाँ ये तो बात है कि आपको चलानी आनी चाहिए, लेकिन अगर आप चलाओगे ना इसको तो आपको कहीं पर भी ऐसे फटीक फील नहीं होगा, हमेशा कंफर्ट एकदम लग्जरी टाइप में ही आपको जो है फील होगा। भले आप 1000-2000 किलोमीटर लेके चलो इस गाड़ी को, कोई दिक्कत वाली बात आपको लगेगी नहीं। अब अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो भैया 55 से 50 जने आप आराम से इस बस के अंदर जो है बैठा सकते हो। उसी के साथ ये हाई डेक है तो आपको बढ़िया एक जो ऊपर की तरफ जब आप बैठोगे तो आपकी सीट पर से बढ़िया सा विजन भी आपको जो है प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि ग्लास इस गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ इसका इंजन आ जाता है, इंजन भी आपको स्टार्ट करके सुनाएंगे, इसकी आवाज़ सुनाएंगे भाई एक बार। लेकिन अगर इंजन दिखाऊँ ना भाई तो इतनी बड़ी बस का एक बार आप इंजन देखो, द हार्ट ऑफ द वॉल्वो, द वेल प्रूवन वॉल्वो D8K इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। जस्ट 1800 cc का इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, 6 सिलेंडर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजन आपको देखने को मिलता है, 350 हॉर्स पावर आपको इसके अंदर देखने को मिलती है और 12 स्पीड का गेयरबॉक्स इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो खेल रहता है ना वो सीधा सीधा खेल रहता है टॉर्क का, गाड़ी का टॉर्क आपको 1350 Nm का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको बढ़िया तामझाम फैन वगैरह भाई, क्योंकि तो बड़ा इंजन है ना, ठंडा करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। मेंटेनेंस वगैरह की भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कोई बताया नहीं होगा आपको मेंटेनेंस वगैरह कितना है इन गाड़ियों का, तो मेंटेनेंस भी बताऊंगा। बाकी आप ये देखो तामझाम यहाँ पर पूरा बढ़िया तरीके से जो इंजन पैक वगैरह कर रखा है। यहाँ पर एक बार इसको स्टार्ट करके भी आपको बता देते हैं, उसके लिए एक बार पहले इसको बंद कर लेते हैं भाई, कोई कुछ आपको होता है ना सेफ्टी रीजंस के लिए एक बार इसको बंद कर लेते हैं। और ये बंद कर लिया और अब इसकी एक बार आप आवाज़ सुनो, 2-3 सेकंड के लिए इग्निशन ऑन करके रखते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाय हाय भाई जो डीजल का ये भारीपन है ना, ये जो आवाज़ सुन के ये भाई जो दिल खुश हो जाता है ना उसकी बात ही अलग है, मुस्कान आ जाती है चेहरे पे। 9600 की बैजिंग मिल गई, BS6 की आपको बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन इंजन का देखने को मिल जाता है जिससे हवा वगैरह आती रहे। उसी के साथ यहाँ पर कैमरा वगैरह भी आपको प्लेस्ड ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, ग्रिल वगैरह है जिससे इंजन को अच्छी तरीके से आवाज़ आती रहे। और भाई ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना आज, ये
अपन तो लाइव एक्सपीरियंस आज कर सकते हैं क्योंकि अपनी जनरेशन लास्ट जनरेशन है जो ये डीजल गाड़ियाँ देख रही है। इसके बाद में आने वाली जनरेशन शायद ही भाई जो है वो गाड़ी देख पाए, क्योंकि अब जो है बहुत कम टाइम बचा है जो डीजल बिक रहा है, जो डीजल इंजन बन रहा है, उसके बाद में शायद या तो सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएंगे या फिर इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाएंगे। भगवान जाने कहीं पर शिफ्ट होंगे कहीं पर नहीं होंगे, पर जो है अपनी ये लास्ट जनरेशन है मुझे सिर्फ इतना पता है। बाकी भैया ये मल्टी एक्सल बस है, तो यहाँ पर एक बार इसके टायर पर नजर डाले तो मिशलिन के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं 295/80R 22.5 2.5 मतलब भाई बहुत ही गजब का प्रोफाइल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और डिटेलिंग देखो भाई वॉल्वो की, जो नट बोल्ट है ना उस पर भी वॉल्वो की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। और ये वाला आपको सहग वाला टायर देखने को मिलता है, ये वाला मूव तो करता है लेकिन ये टिल्ट नहीं करता, इससे जो पीछे वाला टायर है बस मुड़ाने के लिए उसको यूज़ जो है होता रहता है, जैसे एक बस जो है मुड़ती है तो वो भी साथ साथ जो है काम करता है। भैया इतने सारे लोग भाग जाएंगे तो भैया सामान तो रखना ही पड़ेगा ना। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो बस है ना कार्गो का भी काम करती है, मतलब किसी का कार्गो वगैरह लेकर जाना हो तो उसका भी काम करती है। तो यहाँ पर आराम से भाई खूब सारा सामान आ सकता है 55-50 लोगों का। ये तो सिर्फ एक डेस्क हो गई, बाकी उसके अलावा इसको बंद करते हैं यहाँ पर, ये इसको बंद किया और आगे चलते हैं। आगे भी आपको जो है काफ़ी बढ़िया स्पेस देखने को मिल जाएगा, मतलब इतनी स्पेस है वरना जैसी गाड़ी तो आप आराम से खड़ी कर सकते हो, बस हाइट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी उनके। बाकी भैया एक आपको कमाल की चीज़ यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो ये इसका साइड का ग्लास पैनल है और इधर ये देखो भाई ये जो है ना ये इसकी है एयर सीट्स, मतलब यहाँ पर सस्पेंशन ही सिर्फ एयर सस्पेंशन नहीं है, ये सीट्स भी जो है यहाँ पर पूरी एयर प्रेशर से पूरी ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे इसको बटन को दबाऊंगा तो वन टच डाउन आपको देखने को मिल जाती है और वन टच ही आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी। भैया जो ऊपर हो गए अब इन भैया को तो बढ़िया मोजे खिला दिया अपन ने, लेकिन अपन यहाँ पर ये आपको नॉर्मल हैंडल देखने को मिल जाता है। और ये 7 गाले की बस है गाइस, मतलब इसको गाला इन द सेंस मतलब जैसे जितने कांच होते हैं ना साइड में बस के अंदर उतना गाला बस जो है कहलाती है, इनके पायलट है। और इसको करते हैं गाड़ी को यहाँ पर बंद और लेकर चलते हैं अब आपको गाड़ी के अंदर। यहाँ पर फ्रंट से तो आपने लुक देख ही लिया, अब ये भैया अपन आ चुके हैं अंदर और अंदर अपन जैसे आएंगे वैसे ये बढ़िया सी लाइट्स जो है ऑन हो चुकी है। मतलब यहाँ पर आपको 2-सीटर कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर मिलता है स्लीपर का, और आपको 2-सीटर कॉन्फ़िगरेशन इसका राइट हैंड साइड पे मिल जाता है। अब भैया लेदर राइट सीट्स से आपको यहाँ पर देखने को मिल गई, यहाँ पर आपको एयर एसी के वेंट्स देखने को मिल गए, आपको इंडिविजुअल लाइट्स मिल गई, यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए वो ग्रिल वगैरह मिल गई, और कैमरा हो गया अपना, फायर अलार्म हो गया, आपकी वॉच हो गई, और ये जो है ऊपर की तरफ ये सनरूफ तो नहीं कह सकते भाई इसको, लेकिन हाँ ये इमरजेंसी एग्जिट वगैरह इसको आप कह सकते हो। बाकी यहाँ पर भी आपको जो है नीचे की तरफ भी कैबिन मिल गया, ऊपर की तरफ भी आपको स्लीपर का कैबिन मिल गया, लेकिन ये एक जने के बैठने लायक ही है। और भैया अंदर आपको ले जाता जाऊँ तो भैया अंदर आप चलते जाओ, माइका वगैरह पूरा यहाँ पर लगी हुई है, माइका का काम हो रखा है पूरा, और यहाँ पर जो है ग्लास का काम हो रखा है। माइका और ग्लास का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है, हालांकि इसके अलावा भी और ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर, आप चाहो जैसी कस्टमाइजेशन करा सकते हो। वॉल्वो तो सिर्फ आपको सीट्स वगैरह लगा के बस दे देता है, अब उसके बाद में आप कहीं से भी बाहर से आफ्टर मार्केट कराना चाहो तो आप करा सकते हो। अब ये वाला जो काम है ये राजस्थान के जोधपुर में से ही हो रखा है, तो ये देखो जैसे ग्लास को अपन ने बंद कर दिया, यहाँ पे पर्दा भी है इंडिविजुअल, और अपना यहाँ पर ग्लास बंद करके अंदर से आराम से बैठ गए, तो भैया कोई डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं है, ग्लास तो मिलता ही मिलता है, साथ में पर्दा भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि कंफर्ट और एक प्राइवेसी जो है थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव वगैरह जो है कर लेता है। अब बस के अंदर नीचे की तरफ आपको बढ़िया कारपेट देखने को मिल जाता है, रेड कारपेट जिसके थ्रू आप चल सकते हो। और अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल नंबरिंग मिल जाती है कि भैया कौन सी सीट कहाँ पर है, और ये यहाँ पर आप आराम से लाइट वगैरह जलाने के स्विच आपको देखने को मिल जाते हैं, इंडिविजुअल आपको चार्जिंग सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाता है, फ़ोन के लिए आपको जो है स्पेस रखने के लिए जगह आपको मिल जाती है, एक ऐसी वेंट आपको वहाँ पर मिल जाता है। और मतलब इसके अंदर चाहो तो आप अलग से और अपने हिसाब से भी माइक वगैरह लगा सकते हो, स्पीकर वगैरह मिल गए। यहाँ पर ये इसका जो है आगे का कैबिन हो गया, और कैबिन भी भाई इतना ज़्यादा पहले से क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जो वुडन टच देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है जो कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है, मतलब भारीपन नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल हल्का हल्का सा स्टीयरिंग, मतलब बहुत लाइट फील होता है चलाते वक्त, और जैसे आप स्पीड में चलाओगे तो हैवी ऑब्वियसली हो जाता है। यहाँ पर सारे आपको एसी कंट्रोल्स और मतलब भाई इतने सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, स्क्रीन देखने को मिल जाती है, स्क्रीन में नेविगेशन, म्यूजिक, और आपको रियर कैमरा देखने को जो है मिल जाता है। तो गाइस बाहर से तो खूब बात हो गई, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। और अंदर इसका गेट कैसे खुलता है ये देखो भाई, फुल एयर प्रेशर से इसका जो है यहाँ पर गेट खुलता है। और अपने पास यहाँ पर जो है इसके कप्तान साहब है, तो मनीष जी क्या कहना चाहेंगे आप इस बस के बारे में, कैसी लगती है आपको चलाने में? बढ़िया है। तो आप कितने किलोमीटर चला लेते हैं एक बार में इसको? 1000 किलोमीटर पर डे चल रही है। अच्छा अभी चल रही है, और अगर जैसे आप इसको ज्यादा भी चलाना चाहें तो इतना है कि आराम से कंफर्टेबल की इतना चला सकते हो? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सवारियां सब कंफर्टेबल है। जैसे स्कैनिया वगैरह भी इसके कंपटीशन में आती है? स्कैनिया का एक्चुअली क्या है कि स्कैनिया का जो सस्पेंशन है वो डिफरेंट है। अच्छा अच्छा, ये ज्यादा कंफर्टेबल है स्कैनिया के मुकाबले, चलाने में बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वोल्वो का तो खैर नाम तो है ही। बाकी भैया इसको चलती है तो कितना तेल वगैरह खा जाती है, अपना एवरेज कितना है इसका? अच्छा मतलब 3 से ज्यादा एवरेज नहीं देती है, हाईवे वगैरह भी चलाओ तो भी?
तो भाई एवरेज तो उसका बहुत ही ज्यादा कम है। बाकी यहाँ पर इतने सारे जो कंट्रोल्स वगैरह हैं वो किस चीज के कंट्रोल्स हैं सारे, एक एक कंट्रोल बताओ। लाइटिंग के हैं। अच्छा, जैसे पीछे की लाइट चलानी हो। ओके, क्योंकि इसमें क्या है बाहर से चेंज करी हुई है सारा। अच्छा, अंदर का जो इंटीरियर है वो बाहर से बनाया हुआ है। तो वोल्वो ही बना के देता है? वोल्वो ही बना के देता है, बट कई जो अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं वो बनवा सकते हैं। तो ये क्या इंटीरियर उस हिसाब से बनाया है, लाइटिंग का अलग कर दिया है। अच्छा, तो ये पैनल आपने कहाँ से बनवा रखा है इसका? जसवंत। अच्छा, जसवंत जी, मतलब बाहर से आपने आफ्टर मार्केट ही करा रखा है इसके अंदर। तो इसकी वारंटी वगैरह आती होगी ना बस की? हाँ। तो वो वॉइड नहीं होती बाहर से काम कराने में? इंटीरियर क्या अलग चीज है। अच्छा, अगर आप इंजन को छुड़वाते हो, वायरिंग छुड़वाते हो, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है। तो इसकी जो अंदर की जो लाइटिंग हो रही है ये, तो उसके अंदर क्या बाहर से तार वार डले होंगे पूरे? बैटरी वगैरह अलग से लगी है कनेक्शन? एक्चुअली क्या होता है जो अंदर की वायरिंग वगैरह है वो सेपरेट होती है अलग से। अच्छा, और जो इसकी जो ओरिजिनल जो वायरिंग होती है वो अलग सेपरेट, वो अलग सेपरेट होती है। तो मतलब पूरा अलग से सेटअप दिया है उसका, है ना? ओके, तो ये अभी कितनी चल गई है गज? 22,870 किलोमीटर अभी जो है चल चुकी है बस। और ये इसमें MID में क्या क्या शो करती है यहाँ पे? MID में आपको डीजल, अच्छा डीजल कितना है, तो अभी 273 किलोमीटर चल जाएगी बस। आपको कोई मैसेज आता है तो उसमें बताती है। और ये आपका एवरेज के हिसाब से है, ये आपका डीजल और एड ब्लू का है। अच्छा, एड ब्लू भी इसके अंदर डलता है ना? तो एड ब्लू की कितनी कैपेसिटी है इसकी? ये 1000 हाफ टैंक है, मैं 1000 किलोमीटर में हाफ टैंक खाती है। तो ये 45 लीटर। तो मतलब आपको हर दो दिन में डलवाना पड़ता होगा एड ब्लू तो फुल, मतलब एक चक्कर के अंदर आपको एक आधी टंकी खर्च हो जाती है इसके अंदर, है ना? बाकी जैसे आप एक ट्रिप करते हो तो एक ट्रिप 1000 किलोमीटर के आपने बताया, उसमें कितने हजार रुपए का डीजल खाती है गाड़ी? ये 60,000 के आसपास। 60,000 रुपए का? और तो मतलब सवारी का भी फिर उस हिसाब से कितना रेट लेते हो? अभी तो फिलहाल क्या नई नई स्टार्ट की है तो उस हिसाब से मैंने अपना बजट उस हिसाब से बना रखा है। अच्छा, मतलब एक सवारी को जाना हो, ये कहाँ कहाँ पे जाती है बस? ये भुज जाती है। अच्छा, ये वाली बस भुज जाती है। और भुज के कितने रुपए का लेते हो आप जयपुर से भुज? अभी फिलहाल तो 1300-1400 रुपए मैंने कर रखा है। अच्छा, 1400 रुपए पर पर्सन स्लीपर का, तो सही है भाई। उसके अंदर पानी की बोतल वगैरह भी देते हो आप? अभी फिलहाल वो चीज़ जिस हिसाब से अगर रेट देखी जाए तो 1000 किलोमीटर का 1300 रुपए में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सही बात है। बाकी ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है सबसे संतुष्ट हो आप? मजबूत है सारी? डिफरेंट होता है। पहले जो डेक्स बोर्ड आता था वो उस कैटेगरी में था जो उस गाड़ी की बॉडी थी। हाँ। अभी जो नई लेटेस्ट बॉडी बनी उस हिसाब से उस कैटेगरी का है। उस कैटेगरी का है, सही बात है। बाकी एक बार इसका हॉर्न सुना दो, जो हॉर्न सबसे ज्यादा फेमस रहता है। भाई साहब, हॉर्न भी बहुत ज्यादा तेज है। तो इस गाड़ी को चलाने में और गाड़ी चलाने में आपने चलाई होगी, नॉर्मल गाड़ी है जो बस ये वाली खड़ी है, तो इसमें क्या मेजर फर्क रहता है दोनों के अंदर, क्या कैसा फील होता है? नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं उसको अगर ब्रेक लगा दिया तो उसको पिकअप लेने में कम से कम 2-3 मिनट लगते हैं। हाँ। इसको और ब्रेकिंग कैसी है गाड़ी की? एक नंबर। कितनी देर में रुक जाती है 100 की स्पीड में आपने ब्रेक लगाया तो? मतलब जिस हिसाब से अपन आगे, जैसे सामने कोई आपको दिख रहा है तो उसको उस तक पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी नहीं। इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग भी आती है ना शायद? ABS ब्रेक है। नहीं, ABS तो है, लेकिन जैसे गाड़ी आ गई बाय चांस आपका ध्यान नहीं है तो इमरजेंसी ब्रेक लगा लेती अपने आप? हाँ, हाँ। और आपको जैसे रात को झपकी वगैरह आ गई तो उसके अंदर? वो इसमें नहीं आया है ना? अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है। बाकी इसकी सर्विस इंटरवल कितना है, कितने किलोमीटर बाद इसकी सर्विस होती है? 80,000 किलोमीटर में कितने लीटर का इसके अंदर ऑयल डलता है? लगभग 45 लीटर का ऑयल डलता है इसके अंदर भाई साहब, इंजन ऑयल। तो मतलब सर्विस की रेट अगर 80,000 किलोमीटर पर करा रहे हो तो कितनी आती है? ये करीबन 10-12 हज़ार के तो वही का चार्ज है। अच्छा, 12,000 का सिर्फ ऑयल डलता है, उसके अलावा ब्रेक पैड अलग से होते होंगे? ब्रेक पैड है, ऑयल फिल्टर है, डीजल फिल्टर है। तो कितने हजार रुपए लग जाते हैं इसकी सर्विस में? 25,000 के आसपास। 25,000 के आसपास, के आसपास। तो 25,000 तो बहुत रीजनेबल है भैया। इतना ही रहता है क्योंकि अभी बाकी यहाँ पर ये जो है AC के कंट्रोल्स भी इधर की तरफ है, तो AC के कंट्रोल्स का मतलब AC का क्या, इसका पावर वगैरह कैसी AC की? चिल्ड 5 मिनट में पूरी बस चिल्ड हो जाती है पूरी, है ना? बाकी ये टायर वगैरह के जोड़े कितने टाइम में बदलवाते हो आप? 1,00,000 किलोमीटर चल जाते हैं मिशलिन के टायर, बढ़िया है, कभी कोई गर्माहट वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता। टायर प्रेशर शो करती है इसके अंदर? नहीं करती, अच्छा स्कैनिया में आता है वो फीचर, है ना? बाकी अगर जैसे रेट की अगर इसकी बात कर ले तो अभी ऑन रोड कितने की पड़ रही है अपन को? ये 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ के आसपास एक बस पड़ती है अपन को,
तो इसके अंदर डाउन पेमेंट तो लगभग 60-70 लाख तो करना ही पड़ता होगा। वो तो देखो जिसके कैपेसिटी होती है, बाकी इसकी किस्त भी बहुत मोटी बनती होगी। तो भाई बहुत एक तरीके से मुश्किल काम ही है भाई, आसान बात नहीं है वॉल्वो वगैरह की बस खरीद के उसको मेंटेन करना, उसको चलाना, क्योंकि जिस हिसाब की लग्जरी वॉल्वो ऑफर करता है उस हिसाब के पैसे भी यहाँ पर जो अपन को देने पड़ते हैं। बाकी सेकंड हैंड भी मिलती होगी मार्केट में, तो वो लगभग कितने की मिल जाती है? देखो जिस हिसाब से गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह है उस हिसाब से जैसे कई 25,000 लाख में मिल जाती है और 50 लाख में मिलती है, सबका अलग अलग है वो जब मॉडल के हिसाब से। मॉडल के हिसाब से तो सारे बस ड्राइवर यहाँ पर मुझसे एग्री करेंगे कि जब गाड़ी मौसम में चल रही होती है और सामने कुछ आ जाता है तो एकदम से ब्रेक लगा के मौसम जब गाड़ी का टूटता है ना तो मौसम बनाने में वापस 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, वो सबसे इरिटेटिंग पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर वॉल्वो के अंदर ऐसा नहीं है भाई, वॉल्वो की जो पावर है ना इतनी बढ़िया पावर जनरेट करता है कि आपको इंस्टेंट पिकअप गाड़ी का देखने को मिल जाता है और मिनटों के अंदर वापस अपना मौसम जो है वही बन जाता है। बड़े रथ को खींचना कोई आसान बात तो नहीं है, आती है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। तो कंफर्टेबल बस है आपको, आराम से कोई दिक्कत नहीं आती चलाने में। तो भैया एक तरीके से बताओ कि इतनी बड़ी बस चलाते हो आप, तो थकान वकान कुछ नहीं होती आपको? इसमें तो थकान का इसीलिए तो ये लंबे रूट के लिए बनाई है, वॉल्वो इसीलिए बनी है कि आप जितना लंबा चलाओगे उतना इसका वॉल्वो का कहना ये है कि 5 लाख किलोमीटर तक तो आपको इसको स्टॉप करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी भाई यहाँ पर देखो इसका एक गियर बॉक्स है, तो ये गियर है ना इसका, तो ये मतलब जिसके मैनुअल का भी ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक का भी आता है, पर ऑटोमेटिक ज्यादा सही है मेरे ख्याल से। तो मैनुअल ज्यादा एवरेज देती है कि ऑटोमेटिक ज्यादा एवरेज देती है? ऑटोमेटिक ज्यादा है क्योंकि रिज्यूम में अगर चलाते हो आप तो रिज्यूम में अपने हिसाब से गाड़ी चलती है। अच्छा, और एक्सीलेटर पे अपने हिसाब से चलती है। अपने हिसाब से चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसके अंदर जैसे गियर चेंज होते हैं, कितने गियर है इसके अंदर? 12 गियर आते हैं। तो 12 गियर जब चेंज होते हैं जो फर्क पड़ता है कुछ ऐसा पता लगता है कि गियर चेंज हुआ है? कितनी देर में शिफ्ट हो जाता है? 2-3 सेकंड सब ये अपने रनिंग के हिसाब से, जितना आप रनिंग मतलब जैसे आरपीएम के हिसाब से इसका चेंज होता है आरपीएम। इसके अंदर एयर सस्पेंशन भी आते होंगे? फुल एयर सस्पेंशन, आराम से बस नाचती हुई चलती है बढ़िया। तो गाइस वॉल्वो के अंदर आपको EVHC देखने को मिल जाता है, विच स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, यानी कि आपकी गाड़ी हमेशा कंट्रोल में रहती है। हाई स्पीड की ओवरटेकिंग कट वगैरह लेते समय गाड़ी के अंदर बिल्कुल आपको जो है बॉडी रोल फील नहीं होता। टॉप स्पीड तो इसकी यहाँ पर 120 शो कर रहा है, आप लेकर कितने किलोमीटर तक गए उसको? 90 तक आराम से चल जाती है। स्पीड गवर्नर भी होगा इसमें शायद? स्पीड लगा हुआ है, कंपनी से लगा हुआ है। हाँ, तो इसलिए आपसे ज्यादा चला नहीं सकते। बाकी भाई काम तो इसके अंदर बहुत ज्यादा गजब करा रखा है, कैमरा वगैरह सब बस के अंदर लगा हुआ है। यहाँ सनशेड वगैरह बढ़िया अपन को देखने को मिल जाते हैं, धूप तो आती होगी इसलिए सनशेड की जरूरत पड़ती है। जहाँ पर नॉर्मल गाड़ी का 150 रुपए कटता है, देखो इसका पीला फास्टैग मिलता है, अपनी गाड़ियों के अंदर ब्लू आता है ना इसके अंदर पीला फास्टैग मिलता है। तो ये कितने रुपए का कटता है इसका फास्टैग वगैरह? जहाँ ये 200 रुपए की नॉर्मल गाड़ियों का कटता है वहाँ इसका 350 150 रुपए का ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ये सब आफ्टर मार्केट आपने करवा रखा है ना? तो स्पीकर वगैरह आपने सिर्फ यहीं लगवा रखा, पीछे नहीं रहे ना? लगेगा। अच्छा, पीछे लगे हुए हैं पर सवारी सुनती नहीं होगी गाने वगैरह? जिसको जैसे चलाते हैं अगर कोई अगर इसके लिए ऑब्जेक्शन करता है तो हम बदलेंगे। लाइट वगैरह से संतुष्टि रहती है आपको? लाइट बढ़िया है इसकी, फ्रंट रात को कितनी अंधेरा हो जाए बढ़िया परफॉर्मेंस आती है? अभी तो देखो नई गाड़ी है उस हिसाब से लाइटिंग है, धीरे-धीरे आजकल लाइटिंग आती है प्लास्टिक में, प्लास्टिक के अंदर वो पीला हो जाता है, जिस हिसाब से नई गाड़ी है तो नई हिसाब से ज्यादा। नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया बात है, तो मतलब जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे अपग्रेड कर लोगे आप? नहीं नहीं सही बात है। और वाइपर इसके अंदर भाई वैसे चलते हैं एकदम वैसे अपनी नॉर्मल गाड़ियों जैसे, एक साइड में नहीं चलते दोनों तरफ चलते हैं, बढ़िया विजिबल कर देते हैं। भैया कांच वगैरह भी इसके बहुत ज़्यादा महंगे आते होंगे ना? कितने रुपये का कांच लगभग क्रैक हो जाए? 57,000 रुपये का तो सिर्फ भाई, जितने का अपना ये आईफोन वगैरह लोग बाग बोलते हैं ना उतने का तो सिर्फ उसका कांच। और यहाँ पर देखो कितने एंगल है, देखो यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट वगैरह और ये यहाँ पर। तो भैया कई बार क्या होता है लोग बाग ऐसे बोलते हैं कि यार बस वाले काफी ज्यादा रैश चलाते हैं गाड़ी को, तो एक बार मैं आपकी भी राय लेना चाहता हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इतना बड़ा रथ जब आप लेकर रास्ते में निकलते हो तो एक तो आपका ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाते हैं कि एकदम से आप ना तो बस रोक पाते ना एकदम से दिखता कोई आ जाता है, तो आप लोगों को क्या नसीहत देना चाहते हो कि लगभग आसपास अगर बस के चले तो कैसे चले? अभी जो गवर्नर आता है कंपनी के थ्रू उस हिसाब से अभी गाड़ियां चल रही है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं कि आप उसको तुड़वा सको। जैसे अभी ये गाड़ी चलती है 80, हाँ, तो 80 के हिसाब से ये अगर नॉर्मल गाड़ी को देखा जाए तो वो 100 चलेगी तब इसका 90 का कंप्लीट कर पाएगी। हाँ, तो उस हिसाब से इस गाड़ी की जो लेंथ है और उस हिसाब से इनको क्या करना चाहिए अपने हिसाब से डिस्टेंस से चलना चाहिए, हाँ, क्योंकि एकदम से ब्रेक भी नहीं लगा पाते, भले ही वॉल्वो चाहे मर्सिडीज हो भाई उसका फर्क नहीं है, पर इतनी बड़ी बस अगर चलती है ना तो उसको अपना टाइम लेती है वो रोकने में। तो जैसे भैया अगर बस जैसे आप स्टार्ट करते हो तो लगभग गर्म होने में कितना टाइम लेती है ये? 2 से 3 मिनट के अंदर आराम से। पहले की बसों में ऐसा होता था स्टार्ट करके रखनी पड़ती थी 15-20 मिनट।
टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनी, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा फ्यूल की बचत हो जाती है। इंडिया में यूरो 6 आई थी अभी, विदेशों में आ चुकी है। ये BS6 इंजन है, बढ़िया, पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं करता, चलाने में एकदम मक्खन मलाई है एकदम, है ना। चलो बढ़िया। तो गाइस ये थी अपनी वोल्वो की 9600 एकदम लेटेस्ट मॉडल था, और दो तीन चीज़ों की कमी इसके अंदर मुझे लगी, जैसे कि अगर ड्राइवर को बाय चांस नींद वगैरह आ जाए तो सेंसर लगाना चाहिए जिससे डिटेक्ट कर ले और गाड़ी अपने आप जो है ड्राइवर को जगा दे वाइब्रेशन वगैरह में। हालांकि इतनी बड़ी बस जब चलती है तो दो तीन ड्राइवर एक्स्ट्रा चलते ही हैं इसके अंदर, जिससे अलग अलग शिफ्ट वगैरह करके और आराम से अपनी गाड़ी जो है चला पाएँ। लेकिन भाई फिर भी जैसे टाटा वगैरह में आजकल ये टेक्नोलॉजी आ गई तो इन गाड़ियों के अंदर भी देनी चाहिए। बाकी भाई सेफ्टी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत बढ़िया फीचर्स आपको मिलते हैं, बहुत बढ़िया सेफ्टी आपको इसके अंदर मिलती है। ये था बस की रिव्यू, करते पूरा पसीने से लथपथ हो जाऊंगा, हालांकि एसी वगैरह यहाँ पर चल रहा है पर फिर भी धूप इतनी और उमस इतनी ना बारिश का मौसम है। तो ये था अपनी वॉल्वो के बारे में, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के अंदर, जब तक हमने ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।